वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द वी प्लस यू अकेडमी नेम इज आशीष गर्ग सो वी विल सी द एम पी पी एस सी एग्ज़ाम रिवाइज आंसवर की सो द रिवाइज आंसर की आज ही आई है हमारे पास से आप डेट देख देख सकते हैं यहाँ पे ट्वेंटी सेवन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू हमारा एग्ज़ाम एम पी पी एस सी ए का थर्ड ऑफ जुलाई को हुआ था दिस इज ओकड ऑन दर्ड ऑफ जुलाई नाव और इसकी आंसुर की रिलीज हुई थी सिक्स को डेट इज सिक्स जुलाई को अब ये रिवाइज की गई है आफ्टर द चैलेंज ये रिवाइज की गई है आफ्टर द चैलेंज क्योंकि काफी लोगों ने इस पे चैलेंज लगाया हुआ था सो वी विल मेनली सी द सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस विच आर बीइंग चैलेंज्ड एंड नाउ दीज प्रॉब्लम्स हैज बीन रिजॉल्वड तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है आपका राज्य अभियंता परीक्षा सेवा जिसका आपका आयोग ने 6 दिनांक दिनांक सिक्स सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंतर्गत प्रावधिक उत्तर कुंजी के संदर्भ में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशे विशेष की समिति द्वारा सूक्ष्म जांच की की जाकर अनुशासित अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा रही है तो आज ये जारी की गई है तो वी विल सी दो क्वेश्चन आइदर तो जो डिलीट हुए हैं या फिर कुछ क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर दिए गए हैं लेट स्टार्ट विद द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सो दिज आर द रिवाइज आंसवर्स दिस इज फॉर द सेट ए सिमिलरली फॉर सेट बी सी एंड डी सो ये सब हमारे पास रिवाइज आंसवर की है मैं आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन डील करूँ हम वो क्वेश्चन डील करेंगे जिसमें हमें बेसिकली रिवाइज किए गए हैं जिसमें जैसे लिखा हुआ है डिलीटेड या फिर जिसमें मोर देन वन आंसवर्स गिवन है सो वी विल सी डायरेक्टली दोज क्वेश्चन आई हैव क्रिएटेड अ पी डी एफ फॉर डैट पर्टिकुलर केस दिस इज द पी डी एफ हेयर आई है मेक द पी डी एफ सच दैट आई हैव कम बिंग डिलीटेड एंड ऑल्सो कम्बाइंड क्वेश्चन रिमूव दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज बिंग रिमूव बिकॉज इसके मोर देन वन आंसर्स थे तो बेसिकली ये क्वेश्चन रिमूव किया गया सिमिलरली विथ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन ये टेक्निकल जो एग्जाम में था हमारा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में यह भी रिमूव किया गया वी विल डिस्कस मेनली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच क्वेश्चन रिमूव और आय दर है इंजीनियरिंग ब्रांच थर्ड क्वेश्चन डेट इज बिंग रिमूव इज ग्राउंड वाटर इज वाइड वाला ये क्वेश्चन भी रिमूव किया गया आपका इसमें वैसे आंसर जब दिया था तो ए दिया था लेकिन अब फाइनली ये रिमूव किया गया ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन रिमूव किया गया है नाउ वी विल सी दो क्वेश्चन हैव मोर देन वन आंसर। सो मॉडिफाई जो किए गए हैं जैसे पॉइंट बिहारी वाला क्वेश्चंस का आंसर मॉडिफाई किया गया है इसमें अब जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज ए सी एंड डी ए सी एंड डी तो दीज आर दी थ्री करेक्ट आंसर इनिशियली देर वाज ओनली वन करेक्ट आंसर दैट इज मध्य प्रदेश ंड क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसका आंसर अब जो है मोबाइल ऑपरेटिंग ऑप्शन ऑल्सो बी डेट इज वेब ओ एस डैट इज ऑल्सो नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मूविंग टू दर्ड क्वेश्चन फॉर बेसिकली इसका यूनिवर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो होता ही आपका साथ में यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी अब करेक्ट किया गया है आंसर की में फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इनिशियली इसका जो आंसर था इनिशियली इसका आंसर जो था प्रोलोग था बट नाउ वी हैव प्रोलोग एंड जावा बोथ इज द करेक्ट आंसर सो दीज आर द फोर्थ क्वेश्चन विच दी फर्दर

प्रोडक्टाइल मेटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्यूरी इज जो इनिशियल आंसर की आई थी उसके अंदर ऑप्शन था इसका आंसर उसके अंदर आंसर था ऑप्शन बी बट नाउ इट हैज बोथ आंसर सी एन डी दैट इज बोथ शेयर स्टेन एनर्जी थ्यूरी एज वेल मूविंग टू द एट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन इंडिया वॉज डन बाय जब आंसर की आई थी तब था नागपुर रोड प्लान बट नाउ इट हैज बोथ आंसर बी एन डी दैट इज इंडियन रोड कांग्रेस एज वेल एज नागपुर रोड प्लान सो दीज आर दी एट क्वेश्चन डेट हैज मोर देन वन आंसवर मोर देन वन आंसवर है इनके और चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिमूव किए गए हैं जो टोटली रिमूव किए गए हैं सो यू कैन सी डेट आउट ऑफ वन टी फाइव क्वेश्चन सॉरी वन फिफ्टी क्वेश्चन यू हैव टोटल ऑफ ट्वेल्व फोर्टी क्वेश्चन ट्वेल्व फोर्टी क्वेश्चन थे आपके सिविल सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में यदि आपको कोई भी अपडेट चाहिए एम के रिगार्डिंग या वैसे भी कोई भी एग्जाम्स की अपडेट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल माय टेलीग्राम चैनल इज़ वी प्लस यू अकेडमी ये पी भी आप वहां से डाउनलोड कर पा कर सकते हैं वी प्लस यू अकेडमी ये पी भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो I will definitely reply your comment thanks for watching this video have a nice day